Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। पैसास, हम आज अपनी जो कविता है उसका लास्ट पैराग्राफ सहर्ष स्वीकारा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसका हम भावार्थ समझेंगे। आइए देखिए कवि क्या कह रहा है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में। विवर मतलब होता है छिद्र यानी छेद, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। अब कवि इन पंक्तियों के माध्यम से दंड के रूप में उन अस्मृतियों को ही मांग रहा है, यानी कि जो उसकी यादें हैं उसका क्या कहना है कि यह दंड ही सही, फिर भी मैं इसको पुरस्कार के रूप में मानकर ग्रहण करता हूँ या इसे ग्रहण करना चाहिए। और वह उस परम सत्ता से विस्मृति का अंधेरा मांगता है और क्या कहता है कि हे प्रभु, मुझे इस दंड रूपी भूल को ऐसे रूप में दो कि मैं धरती के तले गहरे एकदम अंधेरे गुफाओं में चला जाऊं या धुएं से भरे काले घने बादलों में कहीं जाके खो जाऊं, यानी कि दिखाई ना दूं। अर्थात कवि अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा है कि पुरानी सभी यादों को वो भुलाना चाहता है। जिस प्रकार अतिशय प्रकाश से आंखें जो है हमारी, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा जब प्रकाश मिलता है तो उससे हमारी आंखें जो वो चौंधिया जाती हैं, मतलब कि जो है बहुत ज़्यादा प्रकाश से वो चौंक जाती हैं एकदम, उसी समय अंधेरा अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार कभी भी स्मृतियों के अत्यधिक प्रकाश से बचने के लिए वो विस्मृति का मतलब यादें होता है, विस्मरण मतलब भुला देना किसी को, रिमेम्बर और फॉरगेटिंग कहा जाता है। तो विस्मृति के अंधकार को पाना चाहता है। अब नीचे की पंक्तियों में देखिए कवि क्या कह रहा है कि लापता कि वह भी तुम्हारा ही सहारा है और इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है और कार्यों का वैभव है। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है कि मानो कवि इस बात पे विचार करते हुए कहता है कि धुएं के बादल भी पूर्ण रूप से विस्मृति को कायम नहीं कर सकते और स्मृतियों का धुंधलापन वहाँ भी है, यानी उस परम सत्ता जो अलौकिक शक्ति है उसका भी रूप सभी जगह विद्यमान है। और इसलिए कवि इस पर विचार करता है और कहता है कि संपूर्ण चेतना, अंधेरा उजाला, सुख दुख, स्मृति और विस्मृति, ये सब किसके द्वारा प्रदत्त है, अर्थात ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त की गई है। अब नीचे की पंक्तियों में देखिए बच्चों कवि क्या कह रहे हैं कि अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है और इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। एक बार पुनः ये फर्स्ट वाला स्टैंजा जो अर्थ हमने समझाया था वही यहाँ पे रिपीट हुआ है। कवि क्या कह रहा है कि अब तक जो भी कुछ मेरी जिंदगी में, जीवन में हासिल हुआ है वह सब तुम्हारा ही तो था जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए मैंने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ इसको अंगीकार कर दिया है। तो बच्चों इस प्रकार से आपकी कविता ये यहीं पे सहर्ष स्वीकारा है समाप्त होती है। और इस कविता से संबंधित अगर आपको कहीं कोई समस्या होती है तो आप अपने ग्रुप में पूछ सकती हैं। ठीक है बच्चों।